निगरान हुकूमत ने फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 99 रुपये 50 पैसे मुकर्रर, डीजल 119 रुपये 31 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 87 रुपये 77 पैसे होगी। कीमतों का इतलाक आज से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। फीफा की काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 30 सितंबर तक तौसी का फैसला कर लिया। एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी रोज, तौसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। कप्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी, तहरीक इंसाफ आज मनु में मैदान लगाएगी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। चकवाल में पीटीआई के जिलाई सदर मंसूर हयात तमन का खड़ाक, नून लीग के सरदार फैज तमन की हिमायत का ऐलान कर दिया। फैज तमन कहते हैं, तलागंग की पिक को डाक नहीं लगने दूंगा। शाहीवाल में भी सियासी सरगर्मियां अरूज पर, हल्का पीपी 197 से नई तब्दीली सामने आ गई। हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम बीएमपी का इलेक्शन लड़ रहा है। डॉक्टर गजनपुर बुखारी डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर। थैंक यू सो मच 24 न्यूज फॉर स्टार्टिंग सच अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। उठो पाकिस्तान, वोट दो अपने कल के लिए, आज वोट दो। इट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड अगर आप सब लोग जाओ, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और वोट दो। ये आपकी ड्यूटी है। मेक श्योर यूर ऑल फुलफिलिंग योर ड्यूटी गाइस। गुड लक। 24 न्यूज की मुहिम ऑस्ट्रेलिया में धूम। वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मरीम नसीम का 24 न्यूज की मुहिम को खराज तहसीन। मरीम नसीम का कहना है, उठो पाकिस्तानियों, वोट की खातिर घर से निकलो, अपने कल के लिए आज वोट दो। पाकिस्तान जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेफ अफ्रीकी T20 क्रिकेट सीरीज का आगाज आज से हरारे में होगा। सीरीज का इफ्तिताही मैच जिम्बाब्वे और आलमी पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।